विभाग ये आठ में गए कि चौबीसवें श्लोक 25 श्लोक के बारे में जानना चाहता हूँ। उनमें ये बताया गया है कि उत्तरायण के छह महीने कोई आदमी जाता है तो वापस नहीं आता, अपन में प्राप्त होता है, और कृष्णायन के छह महीने में अगर कोई आदमी जाता है तो वापस स्वर्ग के सुख भोग वापस आता है। इसके बारे में मैं एकया याद्यन एकया याद्य मनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः, ये दो मार्ग के नाम हैं। पहली बात है शंकर भाष्य पर, ये छांडोग उपनिषद पर, बृहदारण्यक उपनिषद पर और भगवद गीता के आठवें अध्याय पर। उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग हैं ये, ठीक है, मार्ग हैं तो कई घाटियां हैं, पहाड़ी चढ़ाई होती है ना, अमुक घाटी अमुक घाटी, माउंट एवरेस्ट की यात्रा करें तो अमुक घाटी अमुक घाटी, तो देवताओं की सीमा बंधी होती है, यहाँ से यहाँ तक अमुक देवता का क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक अमुक देवता का क्षेत्र। इस प्रकार उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग के नाम है, अप्रसिद्धि महीने के रूप में है यह। इस पर बहुत विवेचन करने पर निष्कर्ष यह निकलता है, महीने की दृष्टि से छह महीने उत्तरायण के, छह महीने दक्षिणायन के। अब कोई दक्षिणायन में शरीर छोड़ चुका, मर गया, लेकिन उसने कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान निष्काम भाव से किया था, समुचित माने मिलाकर, ईशावास्योपनिषद में विद्या विद्या जिसको कहा, निष्काम भाव से कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान किसी ने किया, लेकिन उसका शरीर दक्षिणायन के छह महीने में किसी महीने में छूट गया, तब प्रश्न उठता है उसको योग्यता के बल पर तो उत्तरायण से जाना चाहिए ब्रह्मलोक पर्यंत, लेकिन महीने की दृष्टि से दक्षिणायन मार्ग से जाना चाहिए। बहुत चिंतन करने पर इसका निष्कर्ष यह निकलता है, जैसे कोई बड़े व्यक्ति आ जाए और वाहन की तैयारी में कुछ विलंब हो तो उनको आजकल की दृष्टि से चाय पानी कुशल मंगल पूछने में थोड़ी देर अटका देते, हाँ कार आ गई बैठिए। इसी प्रकार से मर्त्य लोक के जो, मान लीजिए दक्षिणायन का प्रवेश ही हुआ, अभी तो छह महीने बाकी है, या दक्षिणायन का प्रवेश तो हो गया लेकिन उत्तरायण आने में छह दिन बाकी है, लेकिन ऊपर के काल के हिसाब से दो घंटे एक घंटे पंद्रह मिनट दो मिनट के बराबर से दौड़ते, समझ गए, उतनी देर देवदूत उनको स्वागत सम्मान बातचीत के माध्यम से थोड़ा उलझा देते, उसके बाद उनमें क्षमता तो वही है कि उत्तरायण मार्ग से जाए, तब उनका मार्ग प्रशस्त हो जाता, ठीक है। दूसरी बात है, एक बहुत बड़ी विचित्र समस्या है, कभी कभी छह मास होता है, अधिक मास होता है, सामान्य रीति से जैसे कोई मरेगा तो परीक्षित के समान सात दिन के अंदर ही मरेगा, हम हो या कोई हो, शरीर जो छोड़ेगा रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार ही को छोड़ेगा ना, ऐसे कोई पापी मरेगा तो, पुण्यात्मा मरेगा तो, क्या ज्ञानी शरीर छोड़ेगा तो, मुक्षु शरीर छोड़ेगा तो, आखिर उत्तरायण या दक्षिणायन में बारह महीने में तो शरीर छोड़ेगा, लेकिन जिसको नरक में जाना है वो भी तो शरीर छोड़ेगा बारह महीने में, किसी महीने में ना, जिसको स्वर्ग में जाना है वो भी तो बारह महीने में किसी महीने में शरीर छोड़ेगा, जिसको जाना ही नहीं है यहीं पर, जिसका जैसे घड़ा फूटा घटाकाश महाकाश हो गया, कैवल्य मोक्ष जीवन मुक्त होकर किसी ने शरीर छोड़ा, विदेह मुक्त होना है, उसको कहीं जाना ही नहीं है,
और जिसकी अधोगति होनी है नरक में जाना है, शरीर तो छोड़ेगा 12 महीने में, लेकिन अंतर्निहित योग्यता के अनुसार किसी को न उत्तरायण मार्ग मिलेगा न दक्षिणायन, अधोगति। ये तो ऊर्ध्वगति के मार्ग है, क्या अधोगति के मार्ग नहीं, उसको तो नरक में ही जाना पड़ेगा। और जो जीवन मुक्त होकर शरीर त्यागेगा न उसको उत्तरायण मार्ग मिलेगा न दक्षिणायन न अधो मार्ग, तीनों में से कोई नहीं हो तो विदेह कैवल ही प्राप्त करेगा। तो दक्षिणायन में अच्छा कोई शरीर छोड़ चुका उत्तरायण में, लेकिन उसकी अंतर्निहित योग्यता कौन सी योग्यता, स्ववर्णाश्रम धर्म का मानवोचित दायित्व का जिसने कामना पूर्वक अनुष्ठान किया, ऐसे प्रवृत्त मार्गी व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद पुण्य के प्रभाव से दक्षिणायन मार्ग से जाता है, समझ गए। अब कदाचित उसका शरीर उत्तरायण मार्ग उत्तरायण के दिनों में छूट गया महीनों में, तो स्वर्ग में भी वर्गीकरण है ना। अब थोड़ा विचार कीजिए, रेल में एसी सेकंड में यात्रा करनी है, अब बगल वाली वो भी ऊपर वाली सीट जिसको मिली वो तो थोड़ा रोएगा, अब बुढ़ा है या बुढ़ी है या पहुँच में कोई, किराया तो उसने बराबर दिया लेकिन जगह कौन सी मिली, वो भी किनारे वाली साइड वाली किनारे वाली वो भी कौन से ऊपर की मिली, अब किराया तो उसने बराबर दिया। तो एक ही क्लास में एक ही श्रेणी में एसी सेकंड कक्षा में सब हैं, लेकिन किसी को अंदर वाली सीट नीचे वाली मिल गई, किसी को अंदर वाली ऊपर वाली मिल गई, किसी को बगल वाली नीचे वाली, किसी को बगल वाली ऊपर वाली, कुछ तारतम्य है या नहीं, हवाई जहाज में भी कुछ तारतम्य होता है। इसी प्रकार से दक्षिणायन मार्ग से गमन करने की क्षमता वाला जो व्यक्ति है, कदाचित उत्तरायण मार्ग में शरीर छोड़ दे, उसमें भी शुक्ल पक्ष में अभी बहुत अच्छा, एक छत्तीसगढ़ में हमारे व्यक्ति शरीर छोड़े वृद्ध, तो उत्तरायण मार्ग में एकादशी के दिन 13वीं रामनवमी के दिन, बहुत अच्छा 13वीं रामनवमी के दिन सीमा जी के पिताजी शरीर छोड़ा एकादशी के दिन, तो शुक्ल पक्ष भीष्म जी ने शरीर छोड़ा माघ महीना उत्तरायण, फिर शुक्ल पक्ष फिर अष्टमी, फिर मध्य दशा में मध्य काल में बहुत ऊंचा सोने में सुगंध। तो वो व्यक्ति जो दक्षिणायन मार्ग से शरीर छोड़ने के बाद जाएगा, लेकिन उत्तरायण के महीने में शरीर छूट गया, उसको दक्षिणायन मार्ग में बहुत ऊंचा स्थान मिलेगा, जाएगा तो दक्षिणायन मार्ग में, इतना मैंने कहा। अब थोड़ा देखिए, अब यहाँ का तो मेरा परिचय नहीं है, मैं उड़ीसा की दृष्टि से बोल रहा हूँ, आप यहाँ राजस्थान की दृष्टि से बता लीजिए। पुरी का एक व्यक्ति, ठीक है, वो कटक जाना चाहता है या भद्रक जाना चाहता है या कहाँ कोलकाता हावड़ा जाना चाहता है, पुरी से भुवनेश्वर पहुँचेगा, भुवनेश्वर से कटक पहुँचेगा, ठीक है। अब कटक में ही उतरना है तो मार्ग तो कलकत्ता वाला ही है, लेकिन वो उतरेगा कहाँ, टिकट कहाँ तक के है, किसी के भुवनेश्वर तक, किसी के कटक तक, किसी के खुर्दा तक, ऐसा। या मान लीजिए, अगर भूल हो तो बता दीजिएगा, मुझे यहाँ का ज्ञान ज़्यादा नहीं है, इधर हो के क्या नाम अभी कहाँ गए थे, गंगानगर हो के बीकानेर जाते ना, अब दिल्ली से ट्रेन चली, किसी को अंतिम स्टेशन बीकानेर तक पहुँचना है, वो अंतिम तक पहुँचेगा वैसी ट्रेन के माध्यम से, लेकिन इससे पहले किसी को गंगानगर या उससे पहले भी किसी को उतरना है उतर जाएगा, ऐसे ये यहाँ तक। या भूलोक है, यहाँ भूवालोक है, स्व मह जन तप सत्यम, सत्यम माने ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी का लोक कहाँ से प्रारंभ होता है, महालोक से, महाजन सत्यम, महाजन सत्यम, ठीक, भूर्भुवस्व महाजन तप, महाजन तप सत्यम, ब्रह्मलोक की गणना महालोक से प्रारंभ हो जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं कहाँ रहते हैं, सत्यलोक,
जैसे आप पुरी जाइए, पुरी का क्षेत्र, पुरी की सीमा तो बहुत पहले शुरू हो जाएगी, लेकिन श्री जगन्नाथ जी का मंदिर तो एक निश्चित स्थान पर होगा। ऐसे ही महालोक से ब्रह्मलोक की गणना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन तारतम्य है। कोई ब्रह्मचारी का लोक है, कोई गृहस्थ, कोई वानप्रस्थ का लोक है, कोई सन्यासी का लोक है, कोई मुमुक्षु का लोक है, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वो सत्य लोक है। तो तीन लोक, भूलोक के बाद भूलोक की आकर्षण शक्ति, फिर भूवालोक, फिर स्वहलोक। भू की आकर्षण शक्ति एक, भूवालोक फिर महालोक, यहाँ तक एक ही मार्ग है। आगे मार्ग तो वही जाता है, लेकिन वहाँ पर अवरोध, आपका पुण्य यहीं तक, आगे आपके लिए रास्ता बंद। समझ गए ना, मार्ग दो नहीं है, मार्ग एक ही है। भूवालोक, स्वहलोक, महालोक, जनोलोक, तपहलोक को की घाटी पार कर कई सत्य लोग पहुंचेंगे, लेकिन अपनी अपनी क्षमता के अनुसार देवदत्त क्या करते हैं, छेक लेते हैं। देवदूत जो देवदत्त हैं, छेक लेते हैं। आपकी गति भूवालोक तक ही, स्वहलोक नहीं जा सकते, पितृलोक तक ही, देवलोक नहीं जा सकते। आपकी गति कहाँ तक, स्वहलोक ही, उसके बाद उनको मार्ग नहीं मिलेगा। समझ गए, अच्छा प्रश्न किया। और इस प्रश्न का उत्तर भी देना बहुत कठिन है क्योंकि ये लोगों को सब, गांधी जी ने तो ये लिख दिया, सुनो भाई, गांधी जी ने भी, अच्छा इधर संत लोग हैं, बहुत अच्छा, संतों का सम्मान होना चाहिए, बढ़िया मंच बनाए थे। गांधी जी ने भी गीता पर लिखा, उन्होंने कह दिया क्या चीज़ है, मुझे समझ में नहीं आता, तुम्हें क्या लिखा ये जो है, क्या चीज़ है मुझे समझ में नहीं आता, मैं क्या लिखूं। तो वो वही घाटी है, उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग को समझना बहुत कठिन है, लेकिन मैंने कुछ विस्तार पूर्वक उत्तर दिया, समय हो गया। कौन उधर से